कौन से मिशन की बात कर रहे हैं सर आप, ये बताइए, जिसको बहन जी ने बर्बाद कर दिया, बहन जी उठने नहीं दे रही है, काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। ऐसा नहीं है जी, पूरा देश चिल्ला चिल्ला कह रहा है। वो मोदी के चमचे हैं जी, जो पेड़ हैं जी, वो पेड़ कार्यकर्ता हैं। अरे बहन जी के चमचे कहाँ चले गए माननीय, जिनको बहन जी ने अपना घर दिया, जिनको नौकरी दिलवाई, कहाँ चले गए बहन जी के चमचे? सारे हैं ये, कहाँ पर हैं? नहीं ना ना, सब तैयार हैं। कहाँ तैयार हैं? वो कह रहे हैं बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं, बहन जी काम नहीं कर रही हैं, सड़कों पे नहीं आ रही हैं। अरे कह रहा, कहने दो, सड़कों पे आकर के देखिए, जो सड़क पे एकदम कोई कलाकार आता है ना, लास्ट में लाते हैं उसे, और पहले सारे कूदते रहते हैं और उस कलाकार के आते ही सब चुम हो जाते हैं। ये बहन कुमारी मायावती है, जिसने देश के लिए त्याग तपस्या के लिए जीवन बिताया है, जिसने अपनी राज्यसभा की सीट से 1.5 साल पहले लात मार दी, जिसने हमारे देश के नेताओं को बता दिया कि इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं पनपेगा, इसके अंदर मानववाद होगा, लोकतंत्र होगा, समानता होगी, प्यार होगा, विकास होगा, और वो होगा बहुजन समाज पार्टी के शासन में जरूर होगा, आप देख लेना। तो है नहीं, आज जो बहन जी को गली गली घुमाने का काम भी उत्तर प्रदेश के अंदर आरपी सिंह साहब ने करा था, मान्यवर काशीराम साहब के साथ साइकिल चलाने का कार्य किया था, और मिशन मूवमेंट को पुनः जीवित करने का लगातार कार्य करते रहते हैं आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं, तमाम लोगों का फोकस उसी पर है, किस नज़र से आप देखते हैं, क्या लगता है 2024 के चुनावों के नतीजे किसके पक्ष में जाने वाले हैं? मोदी सरकार ये कह रही है 400 पार, आप अपने आप को कितने पार देखते हैं वह बताएं। देखिए ऐसा है, हम और हमारी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती बोलती कम है, करती ज़्यादा हैं। जैसा उनके शासनकाल में आपने देखा कितने विकास हुए, कितने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, हर तरफ दुंदुवी बहन कुमारी मायावती की आदित्य रही है जी। और आज भी बहन शांत हैं, वो शांत हैं, ये देख रही हैं कि गुगली गेंद कब आएगी जिसमें मैं छक्का मारूं और देश के सभी नेताओं को बोल्ड कर दूं। जी, आज लोग कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती निकल नहीं रही हैं, बोल नहीं रही हैं। बोलता डोलता वो है जिसने कुछ किया नहीं है, वो बोलता है, और वो जो है आपने देखा है कि घोषणा मंत्री बहुत देश के अंदर हो गए हैं जी। हमारी बहन कुमारी मायावती जी घोषणा नहीं करती, और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मिशन कभी मरता नहीं है। अंबेडकरवाद और कौन से मिशन की बात कर रहे हैं सर आप, ये बताइए, जिसको बहन जी ने बर्बाद कर दिया, बहन जी उठने नहीं दे रही है, काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। ऐसा नहीं है जी, पूरा देश चिल्ला चिल्ला कह रहा है। देखिए देश चिल्ला के कह रहा है, पर जिस प्रांगण में आप खड़े हैं, ये हमारे जो अनुसूचित जो बहुजन समाज का इतिहास खड़ा करने का इतना बहुमूल्य जो स्थान बहन जी ने बनाया है, लखनऊ में बनाया है और बहुत जगह जितने जिले जिले में बनाए हैं जी। ये बहन जी के कार्य को बोल रहा है जी। आप ये नहीं कह सकते कि बहन जी कुछ नहीं कर रही, वो करेंगी। और मैं फिर बता रहा हूँ, आप देखना निकट हफ्ते के अंदर आपको ये करिश्मा नज़र पड़ेगा, और हम सब कार्यकर्ताओं को संकेत दिए हुए हैं कि कोई भी किसी प्रकार की वार्ता ऐसी ना करें जिससे किसी प्रकार का द्वंद्व हो। सभी पार्टियां हमारे लिए भली हैं, सभी नेता अपनी अपनी बातें अपनी अपनी वकालत कर रहे हैं, मगर बहन जी भारत के संविधान पर चलने वाली हैं, और जिससे देश आज 562 रियासतें जो थी वो एकात्मक रूप में देश एक गुलदस्ता के रूप में भारत में खड़ा है, ये भारत के संविधान की देन है। और बहन जी संविधान के आधार पर बात करती हैं, कार्य करती हैं, और उनका कार्यकर्ता सर देश के अंदर मोदी की गारंटी चल रही है। मोदी की गारंटी, मोदी देश थोड़ी है जी। वो तो भाजपा को ही खा गए, जब भाजपा का नाम ही नहीं कहीं आ रहा, मोदी मोदी हो रहा। अहंकार कभी किसी का सगा नहीं होता जी। मोदी जी को अपने कार्य पे अहंकार हो गया है और ये देश की जनता जब किसी को मारती है ना लात, तो इतनी जबरदस्त लात मारती है कि वो जमीन पर रुक नहीं पाता है जी। मोदी जी भड़क जो कह रहे हैं ना, जितनी राम राज्य की स्थापना करी है सर, राम राज्य की स्थापना, राम एक आस्था, राम को घर दिलवाया उन्होंने। देखो राम एक आस्था का प्रतीक है,
और जैसे कि हिंदू आदि कहते आ रहे हैं कि राम जो है इस पृथ्वी पे आज ही नहीं, बहुत दिन से जब से ये ब्राह्मणवाद यहाँ पनपा है और भिन्न भिन्न प्रकार के राम और 33 करोड़ देवता पैदा हो गए, विकास की गंगा देश से चली गई, जो बहुत छोटे छोटे देश है वो बहुत दूर पहुँच गए, 33 करोड़ देवता इन्होंने पैदा कर दिए, राम को लाए जी। कैसे राम को लेकर आए भाई, राम की तो गुणगान बहुत दिन से कर रहे थे। मोदी जो है देश को बरगला रहे हैं और देश राम राज्य बनने वाला है सर, घर घर के अंदर खुशहाली आने वाली है, दीपक जल रहे हैं। राम राज्य आप बना दो जबरदस्ती, राम राज्य कहाँ बन रहा, राम राज्य देश लोकतंत्रात्मक रहा है, देश की जनता बहुत जागरूक है, किसी तरह के भी किसी के बहकावे में नहीं आएगी, देश की जनता के अंदर बहुत उबाल है, जनता बोल नहीं रही है, जनता आतंक से दबी हुई है इस वक्त में, क्योंकि चारों तरफ से ईडी और सीबीआई का शासन चल रहा है। लोग ये कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे, वो जो है ना वो मोदी के चमचे हैं जी, जो पेड़ हैं वो पेड़ कार करता है। अरे बहन जी के चमचे कहाँ चले गए माननीय, जिनको बहन जी ने अपना घर दिया, जिनको नौकरी दिलवाई, कहाँ चले गए बहन जी के चमचे, सारे हैंगे कहाँ पर है, नहीं ना ना सब तैयार है, कहाँ तैयार है, वो कह रहे हैं बहन जी मिशन मूवमेंट से भटक गई है, बहन जी काम नहीं कर रही है, सड़कों पे नहीं आ रही है। अरे कह रहा कहने दो, सड़कों पे आकर के देखिए, जो सड़क पे एकदम कोई कलाकार आता है ना लास्ट में लाते हैं उसे, और पहले सारे कूदते रहते हैं और उस कलाकार के आते ही सब चुम हो जाते हैं जी। ये बहन कुमारी मायावती है जिसने देश के लिए त्याग तपस्या के लिए जीवन बिताया है, जिसने अपनी राज्यसभा की सीट से 1.5 साल पहले लात मार दी, जिसने हमारे देश के नेताओं को बता दिया इस देश के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं पनपेगा, इसके अंदर मानववाद होगा, लोकतंत्र होगा, समानता होगी, प्यार होगा, विकास होगा, और वो होगा बहुजन समाज पार्टी के शासन में जरूर होगा, आप देख लेना। कैसे कैसे बदलाव आएगा सर, कैसे बदलाव आएगा ये बताइए। बदलाव लोगों के हृदय में बैठा हुआ है जी, बदलाव तो लोग लिए बैठे हैं जी। आने दो जरा, इसको जो आ रही है ना ईवीएम, इसको हटने दो जी, ईवीएम हटी और लोगों का जो बटन है वो खत्म हो जाएगा और बैलेट पेपर चिन्ह हाथी पर लगाया जाएगा, सरकार बनेगी। कैसे बनेगी सर ये बताइए, आप कह रहे हैं ईवीएम हटेगी, कैसे हटेगी, बीजेपी अगर ईवीएम से जीतती है तो वो क्यों हटाएगी, दूसरी बात बीजेपी लगातार इसका विरोध करती थी लेकिन वो सरकार में आ गई, कांग्रेस इसको लेकर आई थी, कांग्रेस भी अब इसको कह रही है ईवीएम खराब है, केजरीवाल जीत रहे हैं वो भी कह रहे हैं ईवीएम खराब है, सब चुप बैठे हैं, बहन जी भी सिर्फ बोलती हैं कि ईवीएम के अंदर परेशानी है। मैंने आपको बताया ईडी और सीबीआई काम कर रही है, हर आदमी का कॉलर गंदा है, चाहे आईएएस है चाहे कोई भी, जब करोड़ों रुपया 10-20 करोड़ रुपए खर्च होता है जी चुनाव में, तो वो जनता का काम नहीं करता जी, जनता बड़ी उद्वेलित है और बहन जी के शासन में विकास और कार्य हुआ, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय, सरकार बहन जी की बने। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है, ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा, स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है, बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ई वी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद,
बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए?